मैंने जरा देखा, मैंने कहा जरा इनको पेलना तो बनता है वैसे, ठीक है बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन पेलना तो नमक छिड़कना नहीं, मैं पेलना तो बन नहीं, जरा देखें तो सही ना जरा ये होता क्या असल में। अब ये देखे ना, ये हमारा कोजू मोजू मोहम्मद रिजवान, चाहते रिजवान हैं। हाँ, इसे बंदा जाके पूछे अब क्रिएटर तेरा चेंज हो गया है। क्रिएटर, अब सुने जरा ये क्या कह रहा है, सुने क्या कह रहा है। And when we finish the power play, one of the guys we go deep because obviously pitch was tricky. And Alhamdulillah, Allah help us and we success on that decider. Allah help us, you know? Allah help us. अच्छा, आज अल्लाह ने हेल्प किया, आगे क्या कहता? What does this mean to you and the team, given where you were a few days ago to now be in the final of this ICC Men's T20 World Cup 2022? If you ask me really question and if I give you honestly question, honest question. Our start was not good, but the guys are keep harding and they believe. Keep harding क्या होता है? Hard. Hard. मैं क्या हो गए? कि गंदी गंदी बात नहीं जान रहे हैं। Because our belief is different. Because our belief is different. मैं क्या, अच्छा भी यहाँ पे ना बताने लगा कि अच्छा जी हमारा belief, हमारी team का belief different है कि aggressive cricket खेलनी है, शुरू के 2 मिनट conservative, फिर you know, फिर बाद में मार धाड़ करेंगे, हमारा ये team का belief है। Okay, देखो उन्हें उन्हें कुरान शरीफ का तीजा पारा खोल के बैठ जाना के। सुनो जरा। We know that Allah is the creator. अच्छा। From us, he just said, you do hard work and believe on me. I will make the team things easy for you. अच्छा तो अब अच्छा कहता अल्लाह से ये कहता कि बिलीव करो मेरे पे, मैं तुम्हें कमी, अब बंदा पूछे अब हार गया है, अब बिलीव तेरा खत्म हो गया था, अब बिलीव खत्म हो गया था जो अल्लाह ने तुझे हरा दिया फाइनल के अंदर, ऐसी ऐसी खच्चे मारते। और अब देखें कंट्रास्ट में देखें कि जब जब ये मैच हार जाते हैं तब क्या बातें करते हैं, तब तो नाम भी नहीं लेते, तब हाँ तब अल्लाह उल्ला कोई नहीं, तब अल्लाह ट्रक के नीचे। आवाज आ रही बहुत कम है, थोड़ी सी ऊंची करके कर सके तो। अरे नहीं आवाज कम है यहाँ से, ज्यादा नहीं है, मैंने मैक्सिमम की भी है, लेकिन अच्छा यहाँ पे कोई अल्लाह का नाम नहीं लिया, कोई कुछ नहीं। बंदा इनसे पूछे, मेरा ख्याल से आईसीसी को कहना चाहिए कि भाई देखो हम ये ग्लोबल इवेंट है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तुम लोग जो लगे रहते हो कि जी अल्लाह उल्लाह, बाहर बंदा अल्लाह को नहीं मानता, तो तुम्हारी ये जो बातें हैं कि ये सेल्फ राइचियसनेस के जुमरे में नहीं आता, यही वजह है कि जब के आप कोई रिलीजियस वो सॉरी नेशनलिस्टिक सिंबल नहीं दिखा सकते। वो धोनी ने जो वो इंडियन आर्मी की जो टोपी पहनी थी, और नहीं पहननी चाहिए थी, वो गलत था, मैं आई थिंक बिकॉज ही वाज फ्रॉम बीसीसीआई, दैट्स व्हाई गॉट अवे विद इट, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने अंदर खान ने वार्निंग दे दी होगी, तो दोबारा वो हरकत नहीं हुई। आप इस तरह के जेस्टर्स, पोलिटिकल जेस्टर्स नहीं दे सकते, तभी वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो बेंडिंग द नी और वो जो चक्कर चला था वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ था, बिकॉज अगेन आप पॉलिटिकल चीजें नहीं ला सकते स्पोर्ट्स के अंदर, बिकॉज स्पोर्ट्स आर मेंट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, नॉट फर्दर डिवाइड देम। अब पाकिस्तान के अंदर और कितने लोग हैं जो जो पाकिस्तानी जो हिंदू है, उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो पाकिस्तानी सारी आवाम है वो अपने आप को इस पाकिस्तान को यही समझते हैं कि इसके अंदर मुसलमान ही और कोई रहता ही नहीं है। 8 मिलियन के करीब हिंदू हैं, 5 मिलियन के करीब आपके क्रिश्चियंस हैं, ये बनते हैं कितने, 13-14 मिलियन लोग बन जाते हैं न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा, ठीक है। और यही वजह है कि आपके जो सो कॉल्ड इवन ये पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखें जरा। मेरा नाम डॉक्टर विनोद है। आपका? मिस मोनिका। नाम तो बड़े आपके फिल्मी हैं, डॉक्टर विनोद, मिस मोनिका, कहाँ से आप? हम सिंध से आए हैं। सिंध से आए हैं। मुसलमान? No. नहीं मुस्लिम। अच्छा नॉन मुस्लिम है, इट्स ओके। आपका क्या नाम? इट्स ओके नॉन मुस्लिम। यानी ये चीजें आती है क्यों है ना कन्वर्सेशन, इमेजिन करें कितने एडवांस हैं आपसे, ज्यादा हैं ये इंडिया के लोग, वो दुनिया से पूछते होंगे अगर किसी ने बताया मेरा नाम जी सलमान है और मेरा नाम सलमा है, तो वो आगे से कहे हैं नॉन हिंदू हैं आप, चलो ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। ये इन्होंने ऐसी खच कौम पैदा की, और यू नो बाय ये जो औरत मैंने आपको दिखाई है ये कोई ऐसी भी नहीं है कि इसको कोई दुनिया की लत्थी चढ़ी नहीं है, इनके दिमाग इतने खराब हो गए। मुझे किसी ने यहाँ पे ट्विटर पे एक वीडियो डाली थी, मुझे वो मिल नहीं रही, एक पाकिस्तानी हिंदू ने, पता ये देखें मैच के ऊपर बात हो रही है ना
इनकी हरकतें क्या कर रहे हैं ये देखो, ये देखी वीडियो आपने सेल्स और जॉस बटलर की एक ना चले हमारे सारे छक्के लगवा हमारे बॉलर्स को जल्द से जल्द इंग्लैंड की विकेट उड़ाने की हिम्मत दे बाबर आजम को हार्ड हिटिंग करने की तौफीक अता फरमा और या अल्लाह पाक बारिश नहीं देना आपके तेरे कुदरत बहुत अजीम है बारिश के बजाय मैच को मुमकिन बनाना अल्लाह ने बारिश हो जाती ना तो बच जाते हैं क्योंकि अच्छा मजे की बात मैंने प्रेडिक्शन बताई भी थी ना वो गलत हो गई हालांकि बहुत कम इंटर की गलत होती है थोड़ी सी हुई भी थी बारिश लेकिन इतनी नहीं हुई कि मैच रुके अगले चार दिन मुसलसल बारिश होती रही ठीक है और अगर उस दिन से हो जाती ना 7 बजे यहाँ पे शाम के थे बीच में 8-8:30 बजे बारिश हुई थी अगर वो 6-7 बजे से शुरू हो जाती ना तो अगले 4 दिन बारिश ने नहीं था रुकना और वो को शेयर्ड होनी थी ट्रॉफी लेकिन अल्लाह मियां ने ये एक बात मान ली ने कहा ना आज तुम लोगों का ईमान मेरे पक्का नहीं ऐसी सर्कुलर लॉजिक है इन लोगों की कि यू नो जब जी जाते अल्लाह ने हमें कहा कि मेरे पे यकीन रखोगे तो मैं तुम्हें जीत दे दूंगा जब हार जाते हैं तब नहीं कहते हैं यार आज मेरा अल्लाह मियां पे थोड़ा सा ईमान कम था जिसकी वजह से हम हार गए और हाँ अब देखें ना वही बात है ना कि अब ये जो इसने भी स्टेटमेंट दी थी रिजवान ने कि अल्लाह हमें कहता है हार्ड वर्क करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ओ भाई जब हार्ड वर्क आपने करना है तो फिर अल्लाह की मदद अच्छा फिर ये रिवर्स क्यों नहीं करते क्योंकि ये तो फिर यहाँ ये कहे ना कि हमने तो फिर हार्ड वर्क किया ही नहीं फाइनल में कहेंगे कि हमने अपना बेस्ट दिया ठीक है बट ठीक है हम हार गए तो फिर जिम्मेदार ठहराए ना अल्लाह मियां को अल्लाह मियां नहीं चाहता था आज हम जीते ये बस है बोंगी है जितनी मर्जी सुन ले आप ये देखें ये बच्चियां छोटी बच्चियों से दुआएं करा रहे थे तो दैट मींस कि दुआएं फारिग हो गई ना ये तो मासूम बच्चियां थी ना इन्होंने तो अभी कोई ये गुनाह के उसमें क्या पता बेचारियों को हाँ नहीं नहीं यानी कि अगर थियोलॉजिकली भी देखा जाए तो अभी ये वो गुनाह करने वाली एज में नहीं आए ना बच्चे मासूम होते हैं अच्छा तो अल्लाह मियां तो फिर नहीं सुन रहा किसी की दुआ ना किसी को तौफीक दी और ये जो वर्ड है ना तौफीक वो तौफीक वाले क्या बात है भाई जो किसी ने काम करना होता है वो कर जाता है इसका मतलब है बुराई की तौफीक भी फिर अल्लाह ही देता होगा अगर कोई बंदा गलत काम करता है और अल्लाह की तौफीक से अगर सारे काम हो रहे हैं तो बस फिर अल्लाह में जिम्मेदार है हर चीज का भी बस बोंगियों से भरी हुई चीज है तौबा मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।